हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा है गवर्नमेंट बजट, और हमने लास्ट क्लास में रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ा था, और हमने उसके कंपोनेंट्स भी पढ़े थे। और आज हम क्या करेंगे, डेफिसिट के बारे में पढ़ेंगे। डेफिसिट से पढ़ने से पहले मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाई है, इसमें हमने रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर बताया है कि इसमें हमने सारे कंपोनेंट्स पढ़े थे, इसके कंपोनेंट्स पढ़े थे, इसके कंपोनेंट्स पढ़े थे और इसके कंपोनेंट्स पढ़े थे। आज हम पढ़ रहे हैं डेफिसिट के बाद, लेकिन डेफिसिट से पहले हम बजट की टाइप्स पढ़ेंगे। देखो, एक बजट होता है हमारा बैलेंस बजट। कौन सा बजट? बैलेंस बजट। बैलेंस बजट मीन्स जहां पर हमारे टोटल जो गवर्नमेंट बजट बनाती है उसमें जितनी भी हमारी एंटिसिपेटेड रिसिप्ट है, मीन्स टोटल रिसिप्ट हमारे टोटल एक्सपेंडिचर के बराबर होती है। जैसे आपको चार्ट में पता चल रहा है कि हमारे रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूं, यानी रिवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट, तो क्या आ जाएगी? हमारी टोटल रिसिप्ट आ जाएगी, यानी दिस इज टोटल रिसिप्ट। तो टोटल रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट कितनी है? 12,000, और कैपिटल रिसिप्ट कितनी है? 13,000। तो इस तरह से हमारी जो टोटल रिसिप्ट है वो कितनी हो गई? 25,000। तो 25,000 ये हमारी टोटल रिसिप्ट है। अब एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। एक्सपेंडिचर भी हमारे ऐसे ही है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो वी गेट टोटल एक्सपेंडिचर, एंड टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 25,000। मींस व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल रिसिप्ट, दैट इज कॉल्ड बैलेंस बजट। तो अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है बैलेंस बजट की, बैलेंस बजट कि अगर कोई डेफिनेशन पूछता है तो हम क्या बोलेंगे? इट रेफर्स टू दैट वे टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल रिसिप्ट, यानी हमारे टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट के इक्वल है। देन उसके बाद हम ये एग्जांपल भी हो सकता है क्वेश्चन में पूछने की, एग्जांपल आप दीजिए कोई, तो आप क्या कर सकते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट के थोड़े से कंपोनेंट्स लेकर, या कैपिटल रिसिप्ट के अगर आपको कंपोनेंट्स दिए, अगर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपको कंपोनेंट्स दिए होंगे विद डिजिट, तो आपको क्या करना है कि रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट के जो कंपोनेंट्स हैं उसको जोड़ देंगे तो वी गेट टोटल रिसिप्ट। ऐसी टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, उन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो दैट इज आवर बैलेंस बजट। तो बैलेंस बजट हमेशा गवर्नमेंट बनाती है, चाहे कुछ भी हो जाए। ऑब्वियस सी बात है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट बैलेंस बजट ना बनाए, उसे बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा हो रहे हैं तो उसको कहीं ना कहीं से रिसिप्ट को बढ़ाना पड़ेगा या उसको एक्सपेंडिचर को कम करना पड़ेगा, लेकिन बैलेंस पे तो उसको आना पड़ेगा। तो बैलेंस बजट मींस वे टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल रिसिप्ट। तो ये हमारे बैलेंस बजट के बारे में। देन इफ यू टॉक अबाउट सरप्लस बजट, अगर हम सरप्लस बजट की बात करते हैं तो सरप्लस बजट क्या होगा? सरप्लस बजट का मतलब होता है कि अगर मान लो मेरे टोटल रिसिप्ट, क्या टोटल रिसिप्ट अगर ज्यादा हो जाती है टोटल एक्सपेंडिचर के, तो इसे हम क्या कहेंगे? सरप्लस बजट। आप बेशक इसको साथ साथ बेशक नोट करते रहे, सरप्लस बजट मींस वेयर टोटल रिसिप्ट इज मोर देन टोटल एक्सपेंडिचर। जब हमारी टोटल रिसिप्ट टोटल एक्सपेंडिचर की ज्यादा होगी तो उसको हम क्या कहते हैं? सरप्लस बजट। अब यहां तो बैलेंस बजट है, लेकिन अगर मान लो कि हमारी जो टोटल रिसिप्ट है, मींस अगर ये 30,000 होती, 30,000 रुपए होती, अगर मैं इसको बाय चांस मान लो 30,000 कर देता हूं और वो 25,000 है, तो ये इसका मतलब है कि हमारी जो टोटल रिसिप्ट है वो 30,000, हमारे टोटल एक्सपेंडिचर 25,000, मींस रिसिप्ट ज्यादा एक्सपेंडिचर कम, तो दिस इज कॉल्ड सरप्लस बजट। तो सरप्लस कितना आया? सरप्लस आया 30,000 माइनस 25,000, मींस 5,000 का सरप्लस है, तो दिस इज आवर सरप्लस बजट। बट यहां पर हमने एग्जांपल में क्या लिया हुआ है? इसको हमने इसको सरप्लस बजट नहीं लिया, हमने इसको कौन सा बजट ले रखा है? बैलेंस बजट लिया हुआ है। तो सरप्लस बजट अगर कोई आपसे पूछता है, वन मार्क में क्वेश्चन आने के चांसेस के ज्यादा मार्क्स का नहीं आता, इसलिए एक ही लाइन के लिए इसका आंसर सफिशिएंट है हमारे लिए, कि वेयर टोटल रिसिप्ट इज मोर देन टोटल एक्सपेंडिचर, दैट इज कॉल्ड सरप्लस बजट। और अगर कोई इसका फॉर्मूला पूछे तो सिंपल, टोटल रिसिप्ट माइनस टोटल
एक्सपेंडिचर, यानी कि अगर मैं 30,000 से 25,000 माइनस करूंगा तो वी गेट 5,000, तो 5,000 मेरा क्या है, सरप्लस है। तो ये होता है सरप्लस बजट, जब रिसीप्ट एक्सीड होती है ओवर द टोटल एक्सपेंडिचर। फिर आप समझ गए होंगे कि अब थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है, डेफिशिट, यानी बजट डेफिशिट। अब बजट डेफिशिट में इसका उल्टा कर देंगे, मींस डेफिशिट बजट में वी कैन से कि टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन टोटल रिसीप्ट्स। अब टोटल एक्सपेंडिचर जब टोटल रिसीप्ट से ज्यादा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डेफिशिट बजट कहते हैं। यानी उस केस में एक्सपेंडिचर कम होंगे और रिसीप्ट, सॉरी एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे और रिसीप्ट कम होगी। मींस अब ये 30,000 हो गया और ये 25,000 हो गया, तो इसका मतलब अब एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिसीप्ट कम है। जब एक्सपेंडिचर एक्सीड होंगे ओवर द रिसीप्ट तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कौन सा, बजट डेफिसिट या बजटरी डेफिसिट। तो बजटरी डेफिसिट रेफर्स टू दैट वेयर टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन टोटल रिसीप्ट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला अगर हम बनाए तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट होता है। तो यहां पर क्या ये सरप्लस बजट है, नहीं। क्या ये बजट डेफिसिट है, नहीं। ये कौन सा बजट है, ये हमने बनाया है बैलेंस बजट। हमने टोटल रिसीप्ट ले लिए, टोटल एक्सपेंडिचर ले लिए और वो दोनों इक्वल है, दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज बैलेंस बजट, नॉट सरप्लस बजट और नॉट डेफिसिट बजट। तो ये हमारा कौन सा बजट है, सरप्लस बजट नहीं है, ये कौन सा है, बैलेंस बजट है। लेकिन अब अगर मैं बात करूं डेफिसिट बजट की, डेफिसिट की बात करूं, देखा जाए ज्यादातर डेवलपिंग इकोनॉमी में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें ज्यादातर क्या, मोस्टली इवन देखा जाए हर एक कंट्री में जो डेवलपिंग है उसमें डेफिसिट बजट आएगा, 100% आएगा डेफिसिट बजट, क्योंकि वो कंट्रीज क्या कर रही है, अभी डेवलप कर रही है और डेवलप करने में खर्चा ज्यादा होता है तो उसके लिए हमें बोरो करना पड़ता है, तो हमारे जो खर्चे हैं हमेशा एक्सीड करते हैं रेवेन्यू से, तो हमेशा डेफिसिट आएगा ही आएगा। तो लेकिन डेफिसिट की भी ना यहाँ पर कैटेगरीज हैं, यानी यहाँ बजटरी डेफिसिट हमारे तीन तरह का होता है, आप साथ साथ सुनते रहे और लिखते रहे। तीन तरह के जो हमारे डेफिसिट है उसमें सबसे पहला डेफिसिट है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। कौन सा डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट। मैं इस बॉक्स के अंदर कराता हूं रिवेन्यू डेफिसिट, ये हमारा रिवेन्यू है ना, तो इसी से रिलेटेड है। यानी रिवेन्यू डेफिसिट मींस, रिवेन्यू डेफिसिट का मतलब हो गया कि हमें घाटा हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है, और डेफिसिट वर्ड आने का मतलब हो गया कि एक्सपेंडिचर एक्सीड हो रहे हैं रिसिप्ट से। लेकिन यहां पर वर्ड यूज हो रहा है रिवेन्यू डेफिसिट, कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, रिवेन्यू डेफिसिट। तो रिवेन्यू डेफिसिट मींस क्या हो गया कि जब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रिवेन्यू रिसीप्ट्स, व्हेन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रिवेन्यू रिसीप्ट्स, दैट इज कॉल्ड रिवेन्यू डेफिसिट। अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रिवेन्यू रिसीप्ट से ज्यादा होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, रिवेन्यू डेफिसिट कहेंगे। यू कैन से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या थे हमारे, फ्री फंड के खर्चे, याद है मैंने लास्ट क्लास में बताया था। रिवेन्यू रिसीप्ट बोलते हैं कि जहां पर हमारी एसेट्स कोई क्रिएट नहीं होती। तो मींस यहां पर जो हमारे रिवेन्यू रिसीप्ट्स हैं वहां एसेट्स रिड्यूस नहीं होती और यहां पर एसेट्स क्रिएट नहीं होती। तो यहां पर दोनों ही खर्चे, मतलब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर खर्चा हमारा तो ये क्या है, फ्री फंड का खर्चा, और ये फ्री फंड की इनकम। तो मींस हमें, खैर ये वर्ड यूज तो नहीं करना फ्री फंड का, हमें क्या यूज करना है, यहां डू नॉट क्रिएट एसेट्स और यहां क्या होता है, डू नॉट रिड्यूस एसेट्स। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जब रिवेन्यू रिसीप्ट से ज्यादा होती है तो उसको हम रिवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। जैसे इस एग्जांपल में, इस टेबल में रिवेन्यू रिसीप्ट कितनी है, 12,000 और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितने, 15,000। तो अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, इसका फॉर्मूला होगा वेयर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज माइनस रिवेन्यू रिसीप्ट, ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है बताओ,
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 15,000 और रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है 12,000, देन वी गेट 3,000, तो 3,000 रुपए हमारा क्या आ गया, 3,000 हमारा रेवेन्यू डेफिसिट आ गया। तो एक तरीके से ये आपके न्यूमेरिकल भी हो रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि फाइंड द रेवेन्यू डेफिसिट, तो आप कैसे निकालोगे, आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पहले कैलकुलेट करोगे, फिर रेवेन्यू रिसिप्ट करोगे, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से जब रेवेन्यू रिसिप्ट को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा। तो ये बात थी रेवेन्यू डेफिसिट की। अब आगे अब पहला डेफिसिट तो हो गया हमारा कौन सा, रेवेन्यू डेफिसिट। सेकेंड हमारा जो डेफिसिट होता है वो होता है हमारा फिस्कल डेफिसिट। कौन सा डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। देखो फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, इसका ये मतलब होता है फिस्कल डेफिसिट का कि जब आपके टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे टोटल रिसिप्ट से। अब देखा जाए तो ये तो बजटरी डेफिसिट भी था कि व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन टोटल रिसिप्ट, दैट इज कॉल्ड बजटरी डेफिसिट। तो ये तो हमने उसमें भी पढ़ा था, बट यहां पर क्या डिफरेंस है कि फिस्कल डेफिसिट वो होता है कि जब टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट से ज्यादा हो और उसके अंदर हम एक्सक्लूड कर देते हैं, क्या, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, मींस इसके अंदर उधार को इंक्लूड नहीं किया गया, बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं किया गया। अब इसके अंदर बोरोइंग्स आ रहे कितने आ रही, बोरोइंग्स 5,000, तो 5,000 इस रिसिप्ट के अंदर ऐड नहीं किया गया। तो 5,000 जब हम ऐड नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये हमारा जो रिसिप्ट है 5,000 इसमें से अगर मैं उड़ा दूं बोरोइंग्स, यानी मैं इसमें से ये बोरोइंग्स को क्या कर दूं, अगर उड़ा देता हूं, कितने की है 5,000 की है ना, अगर मैं इसको यहां से हटा दूं तो ये हमारा कितना आएगा, ये हो गया हमारा 8,000, कितना हो गया 8,000, और यहां से मैंने 5,000 माइनस किया तो ये कितना हो गया 20,000, है ना। अब देखो टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है, टोटल एक्सपेंडिचर कितने है 25,000 और टोटल रिसिप्ट कितनी हो गई 20,000, तो 5,000 का क्या हो रहा है, घाटा आ रहा है, 5,000 का डेफिसिट आ रहा है। तो इस डेफिसिट को हम फिस्कल डेफिसिट कहेंगे, रीजन क्योंकि इसके अंदर अभी तक आपने बोरोइंग्स ऐड नहीं की, यानी जब हम विदाउट टेकिंग बोरोइंग्स, जब हमने उधार नहीं लिया और उसके बाद एक्सपेंडिचर रिसिप्ट से ज्यादा हो तो उसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, और इस टोटल रिसिप्ट में से भी हम माइनस करेंगे बोरिंग्स। अच्छा हमेशा जो फिस्कल डेफिसिट है, जो फिस्कल डेफिसिट है हमेशा इक्वल आएगा किसके, बोरिंग्स के, हमेशा फिस्कल डेफिसिट इक्वल आएगा। मैं ये नहीं कहता कि फिस्कल डेफिसिट को हम बोरिंग्स कहते हैं, लेकिन फिस्कल डेफिसिट हमेशा बोरिंग्स के इक्वल आएगा। क्यों, देखो टोटल एक्सपेंडिचर कितना दिया हमें 25,000, टोटल एक्सपेंडिचर 25,000 है ना, और टोटल रिसिप्ट कितना है, अगर पहले हम बात करें कि टोटल रिसिप्ट कितना है 25,000 था पहले, ये तो अब मैंने अभी एक्सक्लूड करा है ना बोरिंग्स, माइनस बोरिंग्स कितनी थी 5,000, मैंने एक्सक्लूड कर दिया 25,000 में से, मैंने 5,000 क्या कर दिए बोरिंग्स माइनस कर दिए। अब देखो 25,000 माइनस 20,000 तो कितना आएगा 5,000 आएगा, और ये 5,000 ही क्या था, ये 5,000 ही हमारा बोरिंग्स था। तो फिस्कल डेफिसिट हमारे किसके इक्वल आया, बोरिंग्स के इक्वल आया। तो फिस्कल डेफिसिट इज ऑलवेज इक्वल टू बोरिंग्स, बट इन केस ऑफ बैलेंस बजट, बैलेंस बजट के केस में ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि हम जितना, मतलब जितना हमें डेफिसिट होता है फिस्कल डेफिसिट होता है उतना ही हम बोरो करते हैं, जितना हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा रिसिप्ट से उतना ही हम क्या करेंगे उधार लेंगे।
तो इसीलिए उधार जितना घाटा है उतने उधार ले रहे हैं, तो इसीलिए दोनों इक्वल आते हैं। तो दैट्स व्हाई फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स। तो ये एक हमारा ये डेफिसिट हो गया। तीसरा हमारा डेफिसिट आता है, अगर हम तीसरे डेफिसिट की बात करें तो उसके बाद आता है प्राइमरी डेफिसिट। कौन सा डेफिसिट? प्राइमरी डेफिसिट। अभी तक मैंने आपको दो डेफिसिट बताए। पहला डेफिसिट कौन सा था? रेवेन्यू डेफिसिट। उसमें क्या पढ़ा हमने? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसीप्ट्स। फिर हमने कौन सा पढ़ा? फिस्कल डेफिसिट। उसमें क्या पढ़ा? टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन टोटल रिसीप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। अब प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट होता है कि जब मैंने बोरोइंग्स को हटा दिया तो इसका मतलब मैं इंटरेस्ट भी पे नहीं करूंगा, यानी इंटरेस्ट पेमेंट भी क्या कर दूंगा? मैं माइनस कर दूंगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो इंटरेस्ट पेमेंट है इसको अगर हम हमारी जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो कितनी दी हुई है यहां क्वेश्चन में? 2000। कितनी है? 2000। और हमारी बोरिंग्स कितनी थी? 5000। जब हमने उधार नहीं लिया तो इंटरेस्ट भी पे नहीं करेंगे। मींस अब इस तरह से अगर हम बात करें कि फिस्कल डेफिसिट में से जो हमारा डेफिसिट आया, जो हमारा नुकसान हुआ, उसमें से अगर मैं इंटरेस्ट पेमेंट भी माइनस कर दूं, जो मैंने इंटरेस्ट पे किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। मतलब सेम वही फिस्कल डेफिसिट की डेफिनेशन है, बस इसके अंदर एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स के साथ साथ इंटरेस्ट पेमेंट को भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो अब इसमें से फिस्कल डेफिसिट कितना था? 5000। इंटरेस्ट पेमेंट कितनी है? 2000। तो प्राइमरी डेफिसिट कितना आया? 3000। तो ये इस तरह के हमारे क्या है? तीन डेफिसिट है जो हमने करने हैं। कौन कौन से? फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। अभी क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चंस कैसे आएंगे कि आपको कंपोनेंट्स दिए होंगे, उस कंपोनेंट्स में पहले आप रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर जब आप फाइंड करोगे तो उसके बाद आप इसी बेस पे, इसी फॉर्मूले के बेस पे आप न्यूमेरिकल करोगे। वैसे तो इसके न्यूमेरिकल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं, बट करने हैं फिर भी, ठीक है ना, बहुत ईजी है, लेकिन वो इस एग्जाम्पल के बेस पर आप कर सकते हो। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि रिवेन्यू रिसिप्ट और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो रिवेन्यू डेफिसिट होता है। इसी तरीके से फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट का डिफरेंस बट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, एंड फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स। और उसके बाद हमारा जो प्राइमरी डेफिसिट होता है वो भी क्या होता है? जब फिस्कल डेफिसिट में से हम क्या करते हैं? इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करते हैं। अब अगर हम इसके इम्प्लीकेशंस की बात करें तो इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं इसकी? इम्प्लीकेशंस का मतलब क्या कि इसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे? देखो एक्चुअल में डेफिसिट है, चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे वो फिस्कल हो, चाहे वो प्राइमरी डेफिसिट हो। देखा जाए रेवेन्यू डेफिसिट की अगर मैं बात करूं पहले, तो रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस, और ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो हमारी मतलब एक तरीके से फ्री फंड की इनकम और फ्री फंड के खर्चे, अगर मैं आम बोलचाल में बोलूं, तो इसको हम किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि इसके बारे में हम कहते हैं कि इसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे? तो देखा जाए इसका इतना बड़ा इशू नहीं होता, इसका इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि इसको हम क्या कर सकते हैं? कैपिटल बजट से पूरा कर सकते हैं, यानी इसको हम ठीक कर सकते हैं कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर के थ्रू। तो इसीलिए इसके बारे में इतनी टेंशन मतलब नहीं होती। तो रिवेन्यू डेफिसिट का मतलब हो गया कि इट इज द इंडिकेटर कि तुम्हारा बजट क्या जा रहा है? नेगेटिव जा रहा है। नेगेटिव का मतलब नेगेटिव ट्रैक पे जा रहा है। तो इसीलिए हम पहले से क्या करते हैं? उसके लिए पॉलिसी बनाना शुरू कर देते हैं। तो रिवेन्यू डेफिसिट हमें बस इस चीज का संकेत देता है, इस चीज का इशारा करता है कि हमें हमारा जो बजट है वो क्या है? एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहे हैं किससे? रिसिप्ट से। फिर उसके बाद अगर हम बात करें किसकी? फिस्कल डेफिसिट की। तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब अब बात क्या आ गई कि हमारा ओवरऑल जितना भी एक्सपेंडिचर है वो ओवरऑल रिसिप्ट से ज्यादा है।
यानी ये खतरे वाली कंट्री है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये रिस्क तो उठाना पड़ेगा। तो फिर कैसे, यानी ये फिस्कल डेफिसिट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, जितना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट होगा उतने ज्यादा हमें बोरो करना पड़ेगा, जितना ज्यादा हम बोरो करेंगे उतना ही हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उतने ही हम बार बार डेट ट्रैप में फंसते चले जाएंगे, यानी कि हम उधार में फंसते चले जाएंगे, यानी हमारी इकॉनमी क्या हो जाएगी, हो सकती है बैकवर्ड भी हो जाए, यानी इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा इसका। तो इसीलिए उधार हमें क्या लेना चाहिए, बोरोज क्या करना चाहिए, हमें कम से कम लेना चाहिए, क्योंकि उसका फिर इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता चला जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट वहीं का वहीं है, इंटरेस्ट हमारे ऊपर बर्डन पड़ता जा रहा है, इंटरेस्ट का पैसा भी हम नहीं चुका पा रहे, जिसकी वजह से उस इंटरेस्ट को और उस प्रिंसिपल अमाउंट को कम करने के लिए हमें और उधार लेना पड़ता है, और जब और उधार लेंगे तो हम और ट्रैप में चले जाएंगे। तो इसीलिए ये किसके मतलब हमारे इम्प्लीकेशन है फिस्कल डेफिसिट के, और यही प्राइमरी डेफिसिट के इम्प्लीकेशन है। तो ये दोनों इम्प्लीकेशन मतलब कह सकते हो आप कि इससे क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी क्या हो सकती है, बैकवर्ड भी हो सकती है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि हम अगर उधार चुकाते चले जाएंगे हमारे ऊपर बर्डन पड़ता चला जाएगा। एक सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन ये होगा कि हमने उधार लिया, हमने बोरो किया, लेकिन उसकी जो पेमेंट है, उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट है, वो आने वाली जनरेशन कर रही है, तो आने वाली जनरेशन के ऊपर बहुत ज्यादा क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट का मतलब बर्डन पड़ेगा, जिससे हमारा सस्टेनेबल यानी हमारी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब होता है कि हम ऐसी ग्रोथ कर रहे हैं जो आने वाली पीढ़ी के लिए क्या है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है, बट हम उल्टा उनको क्या करते जा रहे हैं, ट्रैप में डालते जा रहे हैं। तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट से ही पॉसिबल है। तो लेकिन ये ऐसे एक्सपेंडिचर भी हैं जो हमें करने पड़ेंगे। तो इसको किस तरीके से ठीक किया जाएगा, इसको किस तरीके से रिकवर किया जाएगा, करेक्ट किया जाएगा, तो इन दोनों तीनों, जैसे रेवेन्यू डेफिसिट को तो हम कैपिटल से ठीक कर देते हैं, लेकिन फिस्कल और प्राइमरी डेफिसिट को कैसे ठीक किया जाएगा, मींस हम क्या कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, आरबीआई की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार ले सकते हैं, हम एक्सटर्नल बाहर कंट्री से क्या कर सकते हैं, हम उधार ले सकते हैं, और कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा, कोशिश ये की जाए कि अपने देश के एक्सपेंडिचर को कम से कम किया जाए और टैक्सेस को, खास तौर पे डायरेक्ट टैक्सेस को इंक्रीज किया जाए, जिससे हमारे इनकम इंक्रीज होगी और एक्सपेंडिचर कम होगा, जिससे हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी अदर कंट्री से उधार लेने की। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने इस फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट को करेक्ट कर सकते हैं। तो अगर वन मार्क में आ जाए कि हम इसको कैसे ठीक करते हैं, तो उसका ये आंसर क्या कि हम या तो हम बोरो करें या फिर हम रेवेन्यू क्या करें, जितनी भी गवर्नमेंट की जो इनकम है, रेवेन्यू है, उसको इंक्रीज करें एज टैक्स, और एक्सपेंडिचर को कम से कम करें, और अपने रिसोर्सेज का सही ढंग से यूज करें, एफिशिएंट यूज करें, तो ही हम क्या कर सकते हैं, इन डेफिसिट को ठीक कर सकते हैं। लेकिन डेफिसिट आना लाजमी है फिलहाल, जब तक कंट्री अपने लेवल पर नहीं आ रही, तो ये चैलेंजिंग है बट मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। हम कर सकते हैं किस चीज को, इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, बट ये आपको नहीं लिखना है, तो मैंने प्रैक्टिकल आपको बात बताई कि हम कर सकते हैं, उसमें तो आपको बस यही बताना है कि हमें गवर्नमेंट की इनकम को इंक्रीज करना है, कैसे, टैक्स के थ्रू, और एक्सपेंडिचर को कम करना है, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंडिचर कई तरह के होते हैं, जो कि इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, जैसे प्लान एक्सपेंडिचर, प्लान रिसिप्ट, ठीक है ना। अब प्लान एक्सपेंडिचर क्या है, दो तरह के एक्सपेंडिचर है, प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। देखो, गवर्नमेंट ऐसे एक्सपेंडिचर अगर करती है जिसकी ऑलरेडी पहले से प्लानिंग है, जैसे बजट के अंदर ऑब्वियस सी बात है प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं, प्लानिंग हो रही है ना, बजट का मतलब प्लानिंग ही तो है, और फाइव ईयर्स प्लानिंग, तो उसके लिए हम पहले से क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि हमें कहाँ कहाँ खर्च करना है, कहाँ खर्च नहीं करना, ठीक है, आने वाले साल में यहाँ खर्च करना है, यहाँ खर्च नहीं करना, एजुकेशन पे करना है, एग्रीकल्चर पे करना है, दीज ऑल आर प्लान एक्सपेंडिचर। और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, जो सडनली हमारे सामने आ जाते हैं, जैसे बाहर के कोई लोग, मतलब जो मिनिस्टर्स हैं वो हमारे देश में आ रहे तो अचानक से खर्चा, अर्थक्वेक, ठीक है ना, फ्लड, ये सारी चीज़ें नेचुरल डिजास्टर हो जाते हैं, तो ये हमारे सडनली क्या होते हैं, खर्चे होते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। एक होते हैं हमारे डेवलप्ड
एक्सपेंडिचर और एक होता है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं जिसे करने से हमारा देश क्या करता है, डेवलप होता है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है, और एग्रीकल्चर, इनसे हमारा देश क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, जीडीपी इंक्रीज होगी, रिसोर्सेज का सेविंग से यूज होगा, तो इससे हमारे देश क्या होगा, डेवलप होगा। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, नॉन डेवलपमेंट जिससे करना तो जरूरी है हमारे देश के लिए लेकिन उससे हमारा देश डेवलप नहीं होता। जैसे कि अगर हम बात करें किसकी, जैसे पुलिस डिफेंस के ऊपर हम खर्च कर रहे हैं, ठीक है ना, अब देखा जाए पुलिस के ऊपर वेपन्स हमें बनाना, तो इससे हमारी कंट्री डेवलप नहीं हो रही, बट हाँ फिर भी करना जरूरी है क्योंकि अगर हम ये चीज नहीं करेंगे तो देश में अशांति होगी और जिससे क्या होगा, हमारे देश की ग्रोथ में क्या होंगे, बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, तो इसलिए ये सब खर्चे भी करना जरूरी होते हैं। तो ये हमारे प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर थे, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर थे। तो इस तरह से ही हमारा क्या है, बजट प्रिपेयर होता है, बजट के बारे में हम पढ़ते हैं। अब इसको मैं मिटाता हूं, तो बैलेंस बजट हमने क्या पढ़ा था, जब टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीप्ट्स के इक्वल होती है, और सरप्लस बजट जब टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीप्ट से कम होता है, और डेफिसिट बजट जब टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीप्ट से ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद डेफिसिट के भी तीन पार्ट्स पड़े, रिवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। फिर इसकी मैंने इम्प्लीकेशंस भी आपको बताई। अब हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में कि अगर एक न्यूमेरिकल मैं करके दिखाता हूँ आपको कि अगर आ जाए, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपको दिया है टैक्स, ठीक है, मान लो 5000, देन उसके बाद आपको दिया है इंटरेस्ट, रिसीव्ड 2000, स्पेशल असेसमेंट 2000, देन उसके बाद आपको दिया है कैपिटल रिसिप्ट्स 6000, उसके बाद आपको बोरिंग्स दी हैं 2000, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया है आपको 10000, उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको दिया है 5000। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है रिवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, ये तीन चीजें आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिवेन्यू डेफिसिट के। रिवेन्यू डेफिसिट मैंने आपको क्या बताया था कि जब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रिवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा होते हैं, मीन्स रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट। अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि हमारे वो जिसमें एसेट्स हमारे क्रिएट नहीं होते, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितने आ रहे हैं, 10000 आ रहे हैं, और रिवेन्यू रिसिप्ट कितनी है, रिवेन्यू रिसिप्ट है हमारी टैक्स रिवेन्यू और इंटरेस्ट भी यही आता है, स्पेशल असेसमेंट, तो कितने हो गए 9000, तो 10000 में से 9000 गए तो कितना आया 1000, ये हमारा क्या है, रिवेन्यू डेफिसिट। अब अगर आपसे कोई पूछे फिस्कल डेफिसिट, तो फिस्कल डेफिसिट क्या होगा, उसका फॉर्मूला पड़ा टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, लेकिन एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। अब सबसे पहले यू शुड हैव नॉलेज अबाउट टोटल एक्सपेंडिचर, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है बताओ, टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है हमारा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है 10000, कैपिटल एक्सपेंडिचर है 5000, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना आया 15000। इसी तरीके से टोटल रिसिप्ट कितनी है, रिवेन्यू रिसिप्ट कितनी आई थी 9000, रिवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट का फॉर्मूला होता है, तो रिवेन्यू रिसिप्ट कितनी थी 9000,
और कैपिटल रिसिप्ट कितनी है? 6,000। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? ये भी 15,000 हो गए। अब एक बात बताओ, फॉर्मूला टोटल एक्सपेंडिचर ये होता है। अब टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? टोटल एक्सपेंडिचर है 15,000। टोटल रिसिप्ट भी कितनी है? 15,000 माइनस बोरिंग्स कितनी है? 2,000। तो 15,000 माइनस 13,000, तो आंसर कितना आया? 2,000। और वैसे भी आई टोल्ड यू कि जो फिस्कल डेफिसिट होता है वो किसके इक्वल होता है? बोरोइंग्स के। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। ठीक है, अब बात आती है किसकी? प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट कितना आया? 2,000। इंटरेस्ट पेमेंट हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, याद रखना ये इंटरेस्ट रिसीव है, हमें इंटरेस्ट पेमेंट क्वेश्चन में नहीं गिवन, तो इसलिए हम क्या करेंगे? जीरो। तो आंसर कितना आया? 2,000। ठीक है, तो इस तरह से हमने करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। अब आती है बात गवर्नमेंट बजट के अंदर, गवर्नमेंट बजट बनाया क्यों जाता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है लेकिन ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है, आप हमेशा पढ़ते हो। भाई बजट गवर्नमेंट इसलिए बना रही है, अपने देश के लिए बना रही है। देश के लिए क्यों बना रही है? ताकि हमारे देश की ग्रोथ हो सके। तो इसलिए फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है इकोनॉमिक ग्रोथ, कि हमारे देश में ग्रोथ हो सके, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स हमारी जीडीपी क्या हो सके? बढ़ सके। जीडीपी को किस तरीके से बढ़ाया जाए, इसके लिए बजट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि हम कहाँ खर्च कर रहे हैं। कहीं ऐसी जगह खर्च तो नहीं कर रहे जहां पर खर्च करने का हमारे देश को कोई फायदा ही ना हो, है ना? और कहीं ऐसा तो नहीं हम गरीब से ज्यादा पैसा रिसीव कर रहे हैं और अमीरों से कम। तो ये बहुत बड़ा एक अहम रोल प्ले करता है गवर्नमेंट बजट हमारे देश की जीडीपी में। तो इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ पूरी तरीके से डिपेंड करता है किस पे? बजट पे। तो बजट का ऑब्जेक्टिव है, बजट इस तरह से बनाना चाहिए, इस तरह बनाया जाता है ताकि हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। दूसरा पॉइंट, हमारे देश की गरीबी को हटा सके, हम अपने देश की गरीबी को, पॉवर्टी को हटा सके। क्योंकि अगर हम खर्चा सही जगह सही टाइम पर सही लोगों पर करते हैं तो लोगों को क्या होगा? फायदा होगा, उनकी इनकम बढ़ेगी, जिसकी वजह से वो पैसा अपने ऊपर खर्च करेंगे, एजुकेशन पे खर्च करेंगे, अपनी बेसिक नीड्स पे खर्च करेंगे, जिससे क्या होगा? हमारे देश की जो गरीबी है, पॉवर्टी है, उसको कम होने में क्या मिलेगी? हेल्प मिलेगी। तो ये बजट इसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर उसके बाद आता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब यहाँ पर हम किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करें, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इसी के लिए तो बजट बनाया जाता है, इसी के लिए तो बजट देखा जाता है। तो उसके लिए हम वही सारी चीज पॉइंट ये देखेंगे, कहाँ बेरोजगारी है, कहाँ गरीबी है, कहाँ पर इनइक्वालिटी है। तो उन सारी चीजों को देखते हुए हम क्या करते हैं? अपने बजट को एलोकेट करते हैं। तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इस पॉइंट में आ सकता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आपको पता है कि अमीर अमीर होते चले जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। एक्चुअल में जितनी ज्यादा इनइक्वालिटी होगी उतनी ज्यादा हमारे देश में क्या होगी? जीडीपी डाउन होगी। तो जीडीपी को अगर हमें इंक्रीज करना है तो बजट एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे टैक्स के रूप में, कि हम क्या करें, डायरेक्ट टैक्स को ज्यादा से ज्यादा लें और इनडायरेक्ट टैक्स को डायरेक्ट टैक्स के मुकाबले कम लें। क्योंकि डायरेक्ट टैक्स वही पे करता है जिसकी इनकम ज्यादा होती है, जो कैपेबल है, और इनडायरेक्ट टैक्स एक तरीके से देखा जाए हर एक पर्सन को पे करना पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्स आज के टाइम पे जीएसटी के नाम से जाना जाता है। जीएसटी के अंदर जैसे इनडायरेक्ट टैक्स पहले क्या थे हमारे? कस्टम ड्यूटी, ठीक है, सेल्स टैक्स, प्रोडक्शन टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ये सारे एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सब हमारे इनडायरेक्ट टैक्स थे, जो कि सारे इनडायरेक्ट टैक्स को अब एक नाम दे दिया, जिसका नाम रख दिया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। मींस अगर अब एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी की जगह अगर आप एक शब्द वर्ड का यूज करते हो जीएसटी, तो वो अपने में इनडायरेक्ट टैक्स है। वो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर पे करना पड़ रहा है तो वो इसका मतलब कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। और वो हर मतलब देश का हर एक नागरिक क्या करता है? पे करता है। डायरेक्ट टैक्स में हमारा वेल्थ टैक्स आ जाता है, इनकम टैक्स आ जाता है, कॉर्पोरेशन टैक्स आ जाता है, गिफ्ट टैक्स आ जाता है। तो ये ऐसा टैक्स होता है जो वही पर्सन पे करेगा जो उस हिसाब से, उस रेंज के हिसाब से क्या कर रहा है,
उस चीज को परचेज कर रहा है या उसकी उतनी इनकम है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, डायरेक्ट टैक्स ज्यादा और इनडायरेक्ट टैक्स कम, जिससे इनइक्वालिटी क्या हो जाए, थोड़ी सी कम हो जाए। तो इसके लिए क्या किया जाता है, बजट बनाया जाता है और बजट के अंदर टैक्स ऑलरेडी क्या है, एक अपना मेन रोल प्ले करता है। कहाँ गरीबों पर कितना खर्च करना चाहिए, ये सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से रिलेट करती हैं, किस तरीके से इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, किस तरीके से उसको एलोकेट किया जाए। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं। अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे रिमूव करें, कहाँ ऐसा खर्च करेंगे जहाँ पर लोगों को क्या मिले, एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो ये सारे पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव्स हैं किसके, बजट के। तो इस तरह से हमारा बजट का जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर है। मैंने अपनी तरफ से सारा टॉपिक करा दिया बजट का, जो सिलेबस में था। अब उसके बाद भी आपको 100% प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जो पढ़ता है उसे प्रॉब्लम आती है। सिर्फ बजट में नहीं, सब चैप्टर में, सारे सब्जेक्ट्स में, चाहे वो मैथ्स हो, अकाउंट्स हो, कोई भी हो, जब आप पढ़ते हो तो 100% प्रॉब्लम आती है। तो आप ये मत सोचना कि वीडियो क्लास चल रही है तो इसमें प्रॉब्लम कैसे पूछे, कैसे आपको सब कुछ बता दिया जाएगा, किस तरह से आपको प्रॉब्लम पूछनी है। उसके लिए आपको जो असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं, क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, उसकी भी आप प्रैक्टिस करो। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता, तो आप बेहिजक होकर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बजट के अंदर यही टॉपिक था। ठीक है, थैंक यू।